Considering the relative permittivity of the water to be 80, an electrostatic interaction energy in kJ per mole between A and B in vacuum. ठीक है, so अब ये जो बोला जा रहा है कि electrostatic interaction energy और permittivity या distance के ऊपर बात की जा रही है, तो try to understand here कि एक water में कितना है और एक vacuum में कितना होगा। ठीक है कंसीडरिंग द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज एटी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी इन की के जी पर मोल बिटवीन ए एंड बी तो आपको क्या करना है कि ये एक आपने मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बचपन में ठीक है ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन को कि बचपन में आपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में जब एक सोल्यूशन की बात आती है दूसरे सोल्यूशन से आप इसको मिक्स करते हैं या इसका कितना मोल डल्यूशन की बात जब ज़्यादातर बात आती है कि हम किस स्टॉक और वर्किंग वाला तो उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू आता था जब हम स्टॉक से उसको वर्किंग में लेके जाते थे ठीक है ये काम होता था जब हम इसको स्टॉक से वर्किंग के ऊपर बात करते थे तो एग्जैक्टली इन द केस ऑफ परमिटिविटी परमिटिविटी एंड एनर्जी वो भी इसी तरीके के फिनोमेना पे काम करता है दैट इज ईवन इज इक्वल टू ईवन पी वन इज इक्वल टू ई टू पी टू वट इज ई एंड पी ई एनर्जी ऑफ द फर्स्ट दैट इज इवन एंड सेकेंड इन द ई टू दैट इज ई इज द एनर्जी एंड पी इज द परमिटिविटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड Even P1 is equal to E2 and P2. You have to remember this formula, it is very similar to the stock and working concept. So, here they have given the minus 6 permittivity, they have given the minus 6 kilojoule per mole is energy, and permittivity is 80. And what should be the energy in the vacuum? Vacuum may energy. Now, you have to know that permittivity of the vacuum. ठीक है ध्यान देने की कोशिश करिएगा दैट परमिटिविटी ऑफ वैकम इज वन वेन यू नो दैट दैट परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ वैकम वैकम की जो परमिटिविटी होती है दैट इज इक्वल टू द वन पुट दिस ईयर वन ई टू ई वन पता था आपको माइनस सिक्स किलो जुल परमोल पी वन पता था एटी ई टू जो हो गया वो आपको कैलकुलेट करना था और वन आपको आ गया इसमें ई टू कैलकुलेट करेंगे दैट इज माइनस फोर एटी किलो जूल पर मोल। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट दैट शुड बी माइनस फोर एटी किलो जूल पर मोल। दिस शुड बी द एनर्जी इन द वैक्यूम। ध्यान देने की कोशिश करना परमिटिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी थोड़ी कम होती चली जाएगी और परमिटिविटी जो वैक्यूम की होती है वो मिनिमम और वन होती है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ठीक है सो दिस इज द केसियर इन द परमिटिविटी कॉन्सेप्ट ये जो है परमिटिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखना सो so, रोड इसको एक साथ में नोट डाउन करते जाए अपने चीजों को सो so दैट कि आप एक जगह पे कंपाइल कर पाए पूरे के पूरे चीजों को ठीक है नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए तो दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा गेट एक्सेल 2019 बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन से यू आर गिवन दैट जीरो मोलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपके पास 0.1 पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज स्टॉक सोल्यूशन इज गिवेन स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर टू मेक जीरो पॉइंट फाइव एम एल ऑफ़ दिस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मोलर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन राउंड ऑफ द थ्री डेसिमल प्लेसेज इन एम एल अगेन जो मैंने अभी परमिटिविटी की बात करी थी ये स्टॉक की बात आ गई स्टॉक एंड वर्किंग वाला बात है आपको स्टॉक सोल्यूशन से ये बनाना है कितना वॉल्यूम चाहिए ठीक है ग्लूकोज सोल्यूशन जो है कि स्टॉक सोल्यूशन द स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर टू मेक इतना एम एल ऑफ इतना वर्किंग सोल्यूशन इतने कॉन्सेंट्रेशन का तो दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो आपके पास एक स्टॉक है और एक वर्किंग है जब आप देखेंगे तो इस स्टॉक में नाउ दिस दे है हाँ जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन लेकिन इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है इसके कितने वॉल्यूम को लेके हम क्या करें कि इसके जीरो पॉइंट फाइव एम एल जीरो पॉइंट फाइव एम एल ऑफ दिस वर्किंग ये जो है हमारा स्टॉक है और ये वर्किंग ये बोल रहा है कि स्टॉक का कितना वॉल्यूम लेंगे कि हम वर्किंग का जीरो पॉइंट फाइव एम एल लेकिन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मोलर बना लें अगर इस चीज़ को आप देखें तो इसमें वॉल्यूम जो पूछा है कितना चाहिए राउंड अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तीन डेसिमल प्लेसेस तक ही राउंड ऑफ करना है और आपको देना है कि इसमें एम में प्लीज रिमेंबर द यूनिट जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यूनिट्स का बहुत ही ध्यान रखें बी केयरफुल अबाउट द द यूनिट्स सो सो दिस इज केस कि कि आप इस चीज आपको करनी है ठीक है है so, ठीक अब देखिएगा ये जो इससे कितना वॉल्यूम लेने लेके जाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं तो जब लेके जाएंगे इसके लिए वॉल्यूम सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यर एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था यू हैव टू यूज द फॉर्मुला एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू दिस इज द केस ऑफ सोलूशन ये जो केस है वो सोल्यूशन का केस आ रहा है ठीक है नाउ देखिएगा कि एम वन वी वन एम वन इज जीरो पॉइंट वन लाइक यहाँ पे जो मैंने आपको बात किया था देखिये एम वन वी वन और एम टू वी टू है क्या एम वन जो था दट इज जीरो पॉइंट वन वी वन आपको पता करना था एम टू इज गिवेन दैट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एंड वी टू इज जीरो पॉइंट फाइव

एम एल में ही पूछा है तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ठीक है जी सो यू कैन सॉल्व कर सकते हैं नाउ अ वेरी नाइस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बट वेरी इजी क्वेश्चन इसमें जो है ध्यान देने की कोशिश करना फ्री एनर्जी चेंज के क्वेश्चन की बात की जा रही है

ठीक है दिस इक्वेशन इज द हेल्प ऑफ साइट्रेट लाइज़, डेल्टा जी वन इज माइनस सिक्स सेवेंटी कैलोरी पर मोल। सेकेंड इक्वेशन इज एसिटाइल को ए इज ऑक्जिलो एसिटेट प्लस एस टू ये कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को ए ऑक्जिलो एसिटेट है ये कन्वर्ट हो रहा है साइट्रेट एंड सी ओ ए में एंड डेल्टा जी टू इज माइनस एट वन नाइन टू कैलोरी पर मोल विद द हेल्प ऑफ साइट्रेसिंथिस एसिटाइल को द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन कैलरी परमोल ऑफ एसिटाइल को ए हाइड्रोलिसिस इज ये बोल रहा है कि एसिटाइल को ए हाइड्रोलिसिस के ऊपर बात करते हैं एसिटाइल को ए हाइड्रोलिसिस क्या होगा मतलब एसिटाइल कोए की हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रजेंस में तोड़ना है आपको ठीक है वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना है तो जब ये देखिएगा कि इस स्टाइल को इस तरीके से काम कर रहा था इस और इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यू नीड टू लाइक अगर ये जो है एनर्जी कपलिंग की बात आती है ध्यान देना कभी भी अगर आपको एनर्जी कपलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ एनर्जी कपलिंग देन आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है इसके ऊपर देखिएगा सबसे पहले लेट्स डिस्कस अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनर्जी कपलिंग एनर्जी कपलिंग है क्या एनर्जी कपलिंग बस दो चीज़ों पे काम करती है बेटा ठीक है क्या काम करती है कि दो इक्वेशंस होते हैं दिट वन इक्वेशंस एंड टू इक्वेशंस। इसमें मान लो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और हो सकता है कि जैसे सी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ नाउ ये देखिएगा कि अब दो इक्वेशंस आपके पास दिए हुए हैं दे हैव गिवेन द टू इक्वेशंस। एंड द फाइनल इक्वेशन इज लाइक ए प्लस बी ए प्लस बी देखिएगा ये किसी भी इक्वेशन का एल एच एस होता है लेफ्ट हैंड साइड ये साइड जो होता है आर एच एस होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ ठीक है ए प्लस बी अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए to, ए प्लस डी इज इक्वल टू लाइक यहां पे अगर पूछा जाए कि ए प्लस डी जो है वो ई प्लस एफ के बराबर है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब इसमें देखिए कि अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो आपको अगर इस इक्वेशन को लेके आना हो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको लेके आना हो तो आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में जब इसका एल एच एस और इसका आर एच एस जोड़ेंगे मतलब इन दिस केस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और देखिएगा कि यहां पे एल एच एस जुड़ा है यहां पे भी एल एच एस जुड़ा है दोनों इक्वेशन का यहाँ पे आर एच एस जुड़ा है और यहाँ पे भी आर एच एस जुड़ा है तो ये c प्लस डी तो कट जाएगा सो तो a प्लस बी जो है ये फाइनल आपको इस तरीके से मिलेगा मतलब यहां पे जो ज्वाइन हुआ है जब एल एच एस और एल एच एस जुड़े जब एल एच एस प्लस एल एच एस एंड आर एच एस प्लस आर एच एस जुड़े ठीक है तब ये केस हो जाता है डेल्टा जी फाइनल जो हो जाता है डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी टू ये चीज जो होती है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है सीधे सीधे आप जोड़ देते हैं यह है एनर्जी कपलिंग का पहला कॉन्सेप्ट जब एल एच एस और आर एच एस दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं इसी चीज़ में दूसरी अगर बात करें तो दूसरे केस में क्या हो जाता है कि एनर्जी कपलिंग का जब आपके पास दूसरे वे में जुड़े ठीक है? ध्यान देना कि जब एनर्जी कपलिंग का दूसरा एक कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ आता है कि जब हम ए प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ठीक है ये हो जा रहा है नाउ दिस इज सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ अब यहां पे जो हो रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ईयर कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इसको थोड़ा सा और मॉड्युलेट uh, करते हैं सी यर ई प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस डी दिस वन यह इक्वेशन वन यह इक्वेशन टू ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसका कुछ डेल्टा जी वन होगा इसका कुछ डेल्टा जी टू होगा सिमिलरली जो इस इक्वेशन का था इसका कुछ डेल्टा जी वन होगा इसका कुछ डेल्टा जी होगा इसका जो फाइनल है डेल्टा जी दैट शुड बी कैलकुलेटेड एज दिस वन अगर मान लो इसका पांच होता इसका छ होता तो ये फाइव प्लस सिक्स सीधे सीधे कर देते और ये इलेवन हो जाता है और सिंपल एडिशन सीधा सीधा सिंपल एडिशन हो रहा था जब एल एच एस एल एच एस और इस तरीके से जुड़ रहा है लेकिन जब दूसरे फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को देख रहे होंगे ठीक है तो इस इक्वेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करना कि यहाँ पे फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ ये है डेल्टा ची अगेन इस इक्वेशन को अगर देखो तो ये एक्चुअली ये है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ठीक है सी प्लस ई प्लस एफ ये देखिए ये है एक इक्वेशन का एल एच एस दिस इज एल एच एस एंड दिस वन इज आर एच एस एल एच एस प्लस आर एच एस और यहां पे देखिए ये क्या है ये अगर आप बात करें तो दिस इज आर एच एस प्लस एल एच एस जब इस तरीके LHS plus RHS का हिस्सा है एल एच एस प्लस आर एच एस का एल एच एस प्लस आर एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आर राइट हैंड साइड जब मिले तो आप इस इक्वेशन को जो है ये इक्वेशन मिल रहा है अब इसमें जो करना है कि इस तरीके से जोड़ा जा रहा है इसका ये तो ये वैल्यू जिस इक्वेशन को हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ये इक्वेशन चेंज होंगे मतलब सी प्लस डी को हमें एल एच एस वाले फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा हमेशा जुड़ेगा एल एच एस एलएचएस तो इस तरीके से नहीं जुड़ पाएगा हमको इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा सी प्लस डी और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ई प्लस एफ में तो डेल्टा जी का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा दैट शुड बी द साइन चेंज यहां पे जो इन्वॉल्व हो जाएगा दैट शुड बी द साइन चेंज यहां पे जो है साइन चेंज आपका आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा ठीक है तो साइन चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी तो एक्जेक्टली exactly अब डेल्टा जी जो हो जाएगा डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू हो जाएगा साइन चेंज होगा प्लस से माइनस में होगा तो ये चीज हो जाएगी ठीक है जी सो दिस इज द केस यहां पे देखिएगा अगेन वही चीज है अब इस इक्वेशन को देखिए साइट्रेट एसिडेट एंड ऑक्सलेट एसिडेट इसमें एसिटाइल को हाइड्रोलिस देख रहा है पहले इक्वेशन इस डेल्टा जी और इस डेल्टा जी को सिंपली ऐड करेंगे तो ऑक्सिलोसिटेट कैंसिल आउट हो जाएगा साइट्रेट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और ये सिटाइल को हाइड्रोलिसिस के साथ एसिटेट और कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा वेन यू added इट like, लाइक इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सम करो तो यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी ठीक है ध्यान देने की कोशिश करिएगा इस चीज को नेक्स्ट अगर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए एसिटाइल कोए की हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है किसकी बात की रही है एसिटाइल कोए हाइड्रोलिसिस का मतलब है एसिटाइल कोए प्लस एच टू ओ प्लस एसीटी प्लस सी ओ ये तब मिलेगा जब आपके पास दो चीजें थी जैसे एसिटाइल कोए था को ए ठीक है प्लस इसके साथ था आपका एच टू ओ प्लस ऑक्जिलो एसिटेट ये बना रहा था साइट्रेट ये बना रहा था साइट्रेट प्लस कोएंजाइम ए जो इस इक्वेसन में आपको मिल रहा है साइट्रेट प्लस कोएंजाइम में ठीक है नाउ इसके अलावा एक और था दैट साइट्रेट प्लस साइट्रेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें एसीटेट में प्लस ऑक्जिलो एसिटेट में इसके लिए डेल्टा जी टू है इसके लिए डेल्टा जी वन है कुछ वैल्यू यहां दिया हुआ है कुछ वैल्यू यहां पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू है माइनस एट वन नाइन टू और इसकी वैल्यू है माइनस सिक्स सेवन जीरो अब दोनों इक्वेशन को अगर सम करो अगर आप इस चीज के दोनों इक्वेशन को सम करो तो आप खुद बता पाओगे कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है देखिए कि एल एच एस एल एच एस जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है अगर एल एच एस जुड़ेगा एसिटाइल को ए प्लस एच टू ओ प्लस ऑक्जलो প্লছ্ৰেট ঠিক হে দুড বিট প্লছ কো প্লছ এছিটিট প্লছিলোচিটেট देखो ये कंपोनेंट जो है वो किसका है वे है आपका एल एच एस इक्वेशन का इसका भी एल एच एस जुड़ रहा है मतलब दोनों डायरेक्टली जुड़ जा रहे हैं साइट्रेट कैंसिल आउट कर दो ऑक्सिलोडेट भी इधर मिल रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा ये इक्वेशन एसिटाइल प्लस एस एसिडेट प्लस यही है हाइड्रोलिसिस तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू सिंपली एड ऑन हो जाएंगे एंड दिस माइनस एट वन नाइन टू माइनस सिक्स सेवन जीरो सम के साथ उनके साइन के साथ एड ऑन कर दीजिए एड ऑन करने के बाद दिस इज माइनस एट एट सिक्स कैलरी पर मोल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं ठीक है जी चलिए सो <coughs> so, आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये क्या पूछा जा रहा है फॉस्फो ग्लूकोज वाज वॉज इंक्यूबेटेड विदीरो पॉइंट टू मोलर ऑफ ग्लूकोज सिक्स लाइक फोस्फो ग्लूकोज आइसोमरीज वॉज इंक्यूबेटेड विदीरो पॉइंट टू मोलर ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट On reaching to the equilibrium, 55% of glucose 6-phosphate was converted to the fructose 6-phosphate. The equilibrium constant for this reaction is दे आर ऑस्किंग फॉर द इ्लीबीडियम कॉन्स्टेंट लेट सी कि जब हम आपके पास क्या है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड बिकॉज एज यू नो दैट दिस इज अ बाई डायरेक्शनल स्टेप ये जो है ये आपके बाई डायरेक्शनल स्टेप की तरह काम करते हैं दे आर द बाई डायरेक्शनल स्टेप ठीक है तो बाई डायरेक्शनल स्टेप की तरह काम कर रहा है इसमें ग्लूकोज जो है वो जीरो पॉइंट टू मोलर है 0.2 मोलर है और यह 55% परसेंट ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रक्टोज में मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो दिस फ्रक्टोज एट द टाइम जीरो जब टाइम जीरो था तो जीरो टू मोलर था और एट टाइम टी पे आफ्टर इक्लिबीरियम जब इक्लिबीरियम अचीव हुआ था ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट क्योंकि हंड्रेड परसेंट ये था इसका 55 ये हुआ फोर्टी फाइव परसेंट ये बचा तो इक्लिबीरियम कॉन्स्टेंट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दैट जीरोड बाई जीरो पॉइंट 09 दैट शुड बी 0.122 1.22 नॉट 0.22 तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर हम नॉर्मली बात करते हैं अगर आपको पता है तो ए रिएक्शन होता है बी में सो इनिशियली इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता होगा और ये कंसंट्रेशन जीरो होता है जब इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो ये डिक्रीज होकर कुछ कंसंट्रेशन पे एक्स पे पहुंच गया और ये वाई पे पहुंच गया So, किसी भी रिएक्शन इक्लिबीरियम कांस्टेंट इज एक्लिबीरियम पे कंसंट्रेशन कितना है उसी की बात की जाती है दैट इज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्लिबीरियम कांस्टेंट यही होता है के एक्लिबीरियम एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर प्रोडक्ट इज 0.11 एंड रिएक्टेंट इज जीरो डिवाइडेड यू विल गेट द एक्बीरियम कॉन्स्टेंट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज ठीक है तो इस क्वेश्चन पे यही चीज है और कुछ था ही नहीं कांस्टेंट की बात आ रही थी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द डेल्टा जी फॉर द मैलेट ये पूछा जा रहा है द डेल्टा जी फॉर द मैलेट डिहाइड्रोजीनिस कैटेलाइज द स्टेप फॉर क्रेप साइकिल द प्लस सेवन पॉइंट वन किलो कैलोरी पर मोल Nevertheless, the conversion of malate to oxaloacetate in vivo proceeds spontaneously because the subsequent reaction that consumes oxaloacetate had delta G of. ये बोला जा रहा है कि इसके बाद कन्वर्जन ऑफ मैलेट द डेल्टा जी ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनियस ऑफ प्लस सेवन पॉइंट वन है नेवरदलेस कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्लोसिटेट इन वीवो प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली बिकॉज द सबसिक्वेंट रिएक्शन दैट कंज्यूम ऑक्जिलोसिटेट हैज डेल्टा जी ऑफ अब इस रिएक्शन को ध्यान देने की कोशिश करना कि ये पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन जो है प्लस सेवन पॉइंट वन है नाउ यू नो दैट डब डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू डेल्टा जी अगर डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू द तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं होगा न डेल्टा जी वैल्यू इज जीरोन द रिएक्शन एट एज एक्म एकबिरियम पे होगा एंड वेन डेल्टा जी इज निगेटिव डेल्टा जी इज नेगेटिव सो इट शुड बी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब कोई भी रिएक्शन खुद से परफॉर्म होगा स्पॉन्टेनियस में अगर आपके पास किसी रिएक्शन की जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके पास किसी रिएक्शन की एनी रिएक्शन लाइक ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में इसमें डेल्टा जी की वैल्यू मान लो प्लस सेवन पॉइंट वन है खुद से नहीं हो रहा है तो हम इसको कुछ इस तरीके का काम करेंगे कि इसका फाइनल डेल्टा जी जो है फाइनल डेल्टा जी शुड बी निगेटिव टू बी स्पॉन्टेनियस ठीक है यही होगा इसको हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये स्पॉन्टेनियस होने के लिए निगेटिव हो जाए सो नाउ प्लस 7.1 किलो कैलोरी जो है दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस वन ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है टू मेक इट स्पॉन्टेनियस यू हैव टू एड दिस मच अमाउंट आपको क्या करना है इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए इससे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में इससे ऐड करना पड़ेगा अगर कोई चीज मान लो कि प्लस सेवन पॉइंट वन है अगर मैं निगेटिव सेवन पॉइंट वन करूँ तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर प्लस सेवन पॉइंट वन है इसमें निगेटिव सेवन पॉइंट सेवन करूँ तो दिस विल बी निगेटिव जीरो पॉइंट सिक्स ये देखो निगेटिव आ गया एंड दिस शुड बी स्पॉन्टेनियस और इससे अगर प्लस सेवन पॉइंट वन है इसको प्लस माइनस सेवन पॉइंट जीरो भी कर दूं तो भी प्लस जीरो पॉइंट वन है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो इसके लिए हमें दूसरे इक्वेशन की डेल्टा जी इस वैल्यू से ज़्यादा और निगेटिव होना चाहिए वैल्यू इज ग्रेटर वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो और नेगेटिव हो स्पॉन्टेनियस वन हो तभी हम किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं तो एग्जैक्टली exactly अगर इस इक्वेशन का ये पर्टिकुलर पार्ट part है तो हमें माइनस सेवन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी जो है इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी स्पॉन्टेनियस वन ये जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा अल्टीमेटली जीरो पॉइंट सिक्स माइनस में आएगा एंड दैट विल लीड द स्पॉन्टेनियस नेचर क्लियर है जी सो so, ज द केस यू हैव टू नो अबाउट द स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी के लिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नाउ टॉकउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जब हम बात करते हैं दिस वन गेट बी टी टू थाउजेंड एटीन कामिस्ट्री का chemi क्वेश्चन का है क्या है ये द एक्रियम पोटेंशियल ऑफ बायलॉजिकल मेम्ब्रेन ये बायोजिकल मेमब्रेन के क्वेश्चन सेल बायोजी के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन

गैस कॉन्स्टेंट वन पॉइंट नाइन एट कैलोरी पर मोल पर कैल्विन ये वैल्यूज जो है दी हुई है दे आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल मेंब्रेन वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल मेंबरेन यू हैव टू नो द समथिंग मतलब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्री एनर्जी चेंज के ऊपर ठीक है बायोलॉजिकल मेंब्रेन से कोई भी आयन ट्रांसपोर्ट होगा तो दियर इज अफ इक्लिबीरियम पोटेंशियल एक इनसाइड एक आउटसाइड तो यहाँ पे जो होता है ये पूरा का पूरा जेड एफ और साइज जो होता है फॉर्मूला का यूज होगा ठीक है तो ये जो है मैं आपको बता देता हूं चाहे कोई भी सेल होता है कोई भी बायोलॉजिकल मेंब्रेन किसी भी सेल मेंब्रेन या सेल पोटेंशियल के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं इसके बाद दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात करते हैं देखिएगा जब भी हम सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर बात करें ठीक है खासकर मेमब्रेन वाले तो क्या होता है यहां पर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक सेल होगा सेल के अंदर दिस इज साइटोसोल यहां पे जो है ये साइटोसोल हो जाएगा और यहां पे एक्स्ट्रा सेल ठीक है ये हो जाएगा अब यहां पे क्या है कि कहीं भी या तो बाहर से अंदर की तरफ कोई आयन मूव कर रहा है या अंदर से बाहर की तरफ कोई आयन मूव कर रहा है ठीक है इन टू आउट चलेगा यहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा यहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा कोई कंसंट्रेशन कोई भी आयन मूव कैसा कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आउट टू इन जा रहा है इन टू आउट जा रहा है मतलब अल्टीमेटली जो होता है इस पर एक रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है एक रिएक्शन कॉन्स्टेंट अगर ये हम बात करें तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट इज लाइक कि फाइनल कहाँ पे पहुँच रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल पोजीशन उसका क्या है फाइनल और इनिशियल कहाँ से शुरू करके कहाँ जा रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है रिएक्शन कॉन्सटेंट की जिस मेंब्रेन पे जा रहा होगा इस मेमब्रेन का एक इक्लिबीरियम पोटेंशियल होगा इक्लिबीरियम पोटेंशियल एंड दिस इज डिनोटेड एज साई अगर आयन मूव कर रहा है तो इसका एक चार्ज होगा दैट शुड बी डिनोटेड एज जेड अगर फ्री एनर्जी की बात करें कि ये जो प्रोसेस हो रहा है मूवमेंट का वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा और उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के प्लस जेड एफ साई ठीक है ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन है आर टी एल एन के जेड एफ साई यू नो दैट आर इज गैस कांस्टेंट आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है फोर पॉइंट लाइक ये जो होता है फोर पॉइंट एट टू जूल में आ जाएगा जूल पर पैलविन या टू कैलोरी पर कैल्विन ये होता है टी इज द टेम्परेचर टी जो है वो टेम्परेचर है एंड ऑलवेज इन केल्विन ऑलवेज इन केल्विन मतलब इसको लिखते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू सेवेंटी थ्री एड ऑन कर लो के आपको बताया गया जो कि ऊपर है फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा जेड दैट इज द चार्ज ये जो है चार्ज होगा टोटल चार्ज जो है आ जाएगा एफ फेराडे कांस्टेंट है फेराडे कांस्टेंट है फेराडे कांस्टेंट जो है कैलोरी के केसेस में टू थ्री जीरो सिक्स टू था या ये जो वैल्यू होती है वो नाइन सिक्स फाइव नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो भी होता है अगर हम जूल के केस में बात करें कैलोरी को छोड़ दे तो और साई इज अ मेंब्रेन पोटेंशियल ये जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एंड दिस शुड बी इन वोल्ट किसमें होना चाहिए वोल्ट में होना चाहिए नॉट इन मिली वोल्ट यह मेमरी पोटेंशियल है दिस आर द वैल्यूज वैल्यू पुट करना पड़ेगा और इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं तो वही चीज यहां पे देखिएगा कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आर टी एल एन के जेड एफ साई इस इक्वेशन में नाउ यू हैव टू राइट वॉट इज गिवन यिवन नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे गिवन में अगर आप देखोगे तो साई की वैल्यू है 55 फाइव मिली वोल्ट देट शुड बी 55 फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री वोल्ट अगर आप सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द सेल की बात करते हो एन ए इन शुड बी मिली मोलर ठीक है नाउ इसके अलावा जो है एफ की वैल्यू दिया ही है टू थ्री जीरो सिक्स टू आर की वैल्यू गैस में टू कैलोरी दिया ही है ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं इसमें जेड सोडियम के ऊपर जेड की बात करते हैं तो प्लस वन चार्ज हो जाता है सोडियम ट्रेशन इन साइड ये परमिएबल फॉर सोडियम ओनली सोडियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड विल बी ठीक है sodium only, sodium be, ये चीज की बात की जा रही है नाउ देखिएगा आप इस चीज़ को यूटिलाइज करते सो दे हैव गिवन हेर कि इीडियम पोटेंशियल इज साई माइनस फिफ्टी फिफ्ट मुल, मतलब इतना मिली वोल्ट है तो उतना वोल्ट हो जाएगा नाव इसके अलावा जो है वेन यू टॉक अबाउट टी इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड टी जो है यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें अगर कुछ ना यहाँ पे देखे दिया भी है 37 पे नहीं भी दिया हो तो आप इस चीज को दे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट मीन्स 273 ऐड करेंगे तो 31 वन प्लस केलवे सोडियम इन साइड ट्वेंटी मिली वोल्ट है फेराडे इतना कैलोरी पर मोल है आर की वैल्यू इतना दिया हुआ है सोडियम का चार्ज प्लस वन है डेल्टा जी नॉट जीरो है सुनाओ so देखिएगा इक्लिबीरियम की बात की जा रही है जब इक्लिवीरियम की बात करेंगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो डेल्टा जी शुड बी जीरो वेन दियर इज एक्लिबीरियम कॉन्सनट्रेशन हमेशा ध्यान रखना अभी कुछ देर पहले भी इस चीज के ऊपर मैंने बात करी थी कि डेल्टा जी जो है इक्लिबीरियम पे जीरो होता है एट इक्लिबीरियम ध्यान देना एट इक्बीरियम डेल्टा जी इज जीरो वेन यू पुट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अगर आप इस इक्वेशन को देखें डेल्टा जी आर टी एल एन आर टी एन इन अपॉन आउट क्यों क्योंकि सोडियम का मूवमेंट जो होता है जनरली जो होता है इन टू आउट हो रहा है मतलब फाइनल इन होता है और आउट सोडियम किसी भी सेल में कहाँ आता है अगर आप सोडियम और पोटेशियम के ऊपर बात करते हैं तो सोडियम जो होता है बाहर से अंदर आता है सोडियम जो होता है बाहर से अंदर की तरफ आता है और पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाता है सो फॉर सोडियम दिस इज इन अपॉन आउट होगा फॉर पोटेशियम आउट अपॉन इन होगा ठीक है इस चीज का ध्यान रखना अगर कुछ ना दिया हो तो तो इसमें क्या करना इन एफ आउट रखा डेल्टा जी को जीरो रखा बिकॉज इट इज द केस यर आर टी एल एन एन इन एल एन के बाद एन इन एन ए इन पॉन आउट रखा जेड एफ साई रखा क्योंकि ये इधर रखे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आर टी को वैल्यू को यहाँ पे इधर इस तरफ पुट किया सारी वैल्यूज रखा जेड का वन एफ की इतनी वैल्यू साई की वैल्यू इसमें फिर आर की वैल्यू फिर टी की वैल्यू एंड कॉल सॉल्व किया इसको तो ये वैल्यू माइनस टू पॉइंट नाइन थ्री फोर के आसपास आएगी अब एल एन है और ये वैल्यू इस तरीके से है तो मैंने एल एन एन आउट अपॉन इन कर दिया टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन साइन ये जो नेगेटिव नेगेटिव है इसके लिए क्योंकि ऊपर इन था था नीचे आउट तो जैसे साइन रिमूव करेंगे आउट एंड इन जो है रिवर्स हो जाएगा ठीक है टू रिमूव नेगेटिव साइन यहां पे क्या हुआ ठीक है टू रिमूव नेगेटिव साइन आउट एंड इन रिवर्स हो जाएंगे आउट एंड इन जो है वो रिवर्स्ट हो गया एंड जैसे रिवर्स्ट हो गया दिस पर्टिकुलर केस जो है यहां पे आ जा रहा है और इस पर्टिकुलर केस में सोडियम आउट जब देखिएगा एल को अब इसमें क्या है ये एल की बात है मैंने लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा और अगर लॉग हटाना है तो पूरा इधर का वैल्यू टेन के पावर में जाएगा ठीक है और अगर एल एन हटाना है तो एक्सपोनेंशियल के पावर में जाएगा सो एन ए आउट इज इक्वल टू एन ए इन इन टू द एक्सपोनेंशियल पावर दिस वन ठीक है जब इसके ऊपर बात करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करोगे विद द कैलकुलेटर यू विल गेट 169 मिलीमोलर। ये पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा किस्सा जो है यहाँ तक डिस्कस कर दिया गया होप यू गाइस कि आपको यहां तक समझ में आया हो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर हैव अ ग्रेट डे नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सी एस आई आर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ न्यू पैटर्न के लेक्चर वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है Enroll now and visit Vedmi website and download the app from Play Store. Use career code ved 20 for getting the 20% discount. Vedmi educating. Vedmi educating India.